नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क या हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था बिजनेस रिस्क क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क के होने वाले कारण क्या क्या है। तो बिजनेस रिस्क आर क्रिएटेड बाय मैनी ह्यूमन एंड नेचुरल पावर। जो बिजनेस रिस्क है कुछ ह्यूमन की वजह से होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी अदर कॉजेज फॉर इट, जैसे फिजिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, गवर्नमेंट कॉजेज। ठीक है, तो हम ये सारे कॉजेज की स्टडी आज करेंगे। फर्स्ट है आपका नेचुरल कॉजेज। दीज इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। कि ये कॉजेस क्या होता है, मैन की वजह से नहीं होता, नेचुरल होता है, जिसके हिसाब से मैन जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ओनली थिंक अबाउट देम एंड कैन नॉट से एनी थिंग डेफिनेटली अबाउट देम टू चेक देम इन इम्पॉसिबल। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। जो नेचुरल कॉजेज होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उसमें ह्यूमन कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ उसको एस्टिमेट या अनुमान लगा सकता है, लेकिन ना तो उसको रोक सकता है और ना ही उसके बचने के लिए कुछ कर सकता है। फर्स्ट है आपका सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस ग्रेटली इफेक्ट बिजनेस। दे इंक्लूड डस्ट, स्टोन, बाढ़, फ्लड, ड्रॉट, स्नोफॉल एंड फायर। कि ये क्या होता है, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, स्नोफॉल होना, तो ये क्या है आपका सीजनल चेंजेस, कि जो होता ही होता है। फिर है आपका जियोग्राफिकल चेंजेस, मीन्स जो भूगर्भ से आने वाले चेंजेस होते हैं वो। तो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ कॉजेस ग्रेट लॉस। कि भूगर्भ से होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है वो है जैसे अर्थक्वेक, थर्मस डिस्ट्रॉय हग बिल्डिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। कि एक आग के झपकते ही भूकंप आने की वजह से बड़ी बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर है अदर नेचुरल क्लाइमेटिस। दीज नेचुरल क्लाइमेटिस इंक्लूड लाइटनिंग, एडवर्स चेंजेस फॉर एटमोसफेयर, लोवेस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये भी क्या है, नेचुरल क्लाइमेट्स हैं जो कभी भी हो सकते हैं, जिनका इफेक्ट हमारे किस पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है। ये फर्स्ट है आपका नेचुरल क्योजेस। सेकंड है आपका ह्यूमन क्योजेस। मैन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। जो मैन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस रिस्क में। इट इंक्लूड ऑल द क्योजेस बोर्न आउट ऑफ वुमन केयरलेसनेस, डिसोनेस्टी, इम्पेंटियंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कि ये सब क्या है, जैसे वुमन की लापरवाही करना, ईमानदारी ना होना, बेईमानी करना, पार्शियलिटी करना, इंटेलिजेंसी में कमी होना। चेकिंग दीज रिस्क क्रिएटेड बाय मैन इज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द एंटायर सोसाइटी एंड कंट्री। द रिस्क बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, ऑनेस्टी, पेटेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम। वुमेन आर फॉलोइंग डिवाइडेड ऑफ फॉलोइंग फोर पार्ट्स। जो वुमेन के खुद के द्वारा जो उसकी लापरवाही, बेईमानी, इंटेलिजेंसी के कारण जो कॉजेस होते हैं, जो नुकसान होता है वो होते हैं आपके वुमेन कॉजेस। फर्स्ट है जैसे डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का बेईमान होना। तो व्हेन द पीपल वर्किंग विद ए बिजनेस मैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग और मनी, द बिजनेस रिस्क इज बोर्न। कि जहाँ पे आपका बेईमानी अगर एम्प्लॉय करता है मनी को लेकर, तो वहाँ पे आपका रिस्क जन्म लेता है। सेकेंड है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। वेन द कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग, आर अनेबल टू मेक पेमेंट और डेलिब्रेटली रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, द बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। कि जब कस्टमर जो है
डिसोनेस्टी दिखाता है, स्टीलिंग थिंग की उसकी सोच जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, एंड पेमेंट को लेकर वो डिस लायबिलिटी का मीन्स वही डिसोनेस्टी रिफ्यूज करता है पेमेंट के लिए, तो वहां पे भी क्या होता है आपका रिस्क जन्म लेता है। थर्ड है आपका स्ट्राइक एंड वर्कआउट। स्ट्राइक एंड वर्कआउट मीन्स समटाइम देयर इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द लेबर बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर्स, अनाउंसमेंट ऑफ लेस बोनस क्लॉजेस सच एज ए क्लासिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ द लेबर्स फाइनली चेंज इट्स सेल्फ। कि स्टॉक स्ट्राइक के लोग स्टॉक आउट की प्रॉब्लम कब आती है, जैसे मैनेजर ने कोई डिसीजन लिया लाइक बोनस को लेकर कोई डिसीजन लिया और वर्कर्स उससे हैप्पी नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं स्ट्राइक या लॉक आउट जैसी समस्या क्रिएट कर देते हैं। फिर है वर्किंग केयरलेसली। व्हेन एवर द ओनर ऑफ ए बिजनेस मेक ए केयरलेस एस्टिमेट डिमांड और थ्रोइंग अ बर्निंग बीडी और सिगरेट इन द गोडाउन रिजल्ट इन फायर सच एज केयरलेस। कि आप काम करते करते हुए बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ आग लग जाती है या कुछ और जो है नुकसान हो जाता है, तो वो आएगा आपका वर्किंग केयरलेसली, कि काम को काम के टाइम केयरलेस बरतना। इकोनॉमिक क्लॉजेस थर्ड आपका दे आर रिलेटेड टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट फॉलोइंग डिफरेंट चेंजेस ऑफ्टन टेक प्लेस इन द मार्केट। जो रिस्क आपके इकोनॉमिकल होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्लॉजेस आते हैं आपके इकोनॉमिक क्लॉजेस। फिर है चेंज इन फैशन, ए चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और चेंज इन फैशन क्लॉजेस ऑफ ए हग लॉस बिकॉम द गुड्स रिमेन कन्फाइंड इन द गोदान। कि चेंज इन फैशन कि कस्टमर का क्या है कि अब हर दिन चेंज होता रहता है फैशन, तो जो माल हमने गोदाम में इकट्ठा किया हुआ है और अगर उस चीज का फैशन आउट हो जाता है तो वो माल क्या होगा हमारा सेल नहीं होगा। तो ये क्या है सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस रिस्क का। सेकंड है आपका चेंज इन प्राइस। द इकोनॉमिक रिस्क इज आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन प्राइस। कि इकोनॉमिक रिस्क क्या है कि प्राइस में चेंज आना, अगर प्राइस बहुत कम हो जाते हैं तो भी नुकसान हो जाता है और प्राइस ज़्यादा होता है तो भी हमें रिस्क बियर करना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफ ए ट्रेडर लोअर द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल द मार्केट कंपटीशन डिमांड दैट द अदर ट्रेडर शुड आल्सो लोअर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। कि आपके इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस कम है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी और आपकी सेल ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस आप ज़्यादा रखते हो तो और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं बाकी जो अदर शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अगर प्राइस कम रखे हुए हैं तो आप कंपटीशन में क्या है पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर। व्हेन ए ट्रेडर प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर इट क्लोजेस ए बिजनेस रिस्क टू अदर ट्रेडर। कि जैसे कई जो शॉपकीपर होते हैं वो कंज्यूमर बनाने के लिए अपने कस्टमर मेंटेन रखने के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो रिस्क से बच सके। अदर क्लोजेस में वही नेचुरल क्लोजेस, दीज इंक्लूड द लॉस क्लोज ड्यू टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ थिंग एंड मशीन्स। दे इंक्लूड द क्विक डैमेज टू द पेरिशेबल थिंग एंड द वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स। कि हमें जो मशीन्स हैं उनसे होने वाले जैसे पेरिशेबल जो जल्दी चीजें खराब हो जाती है, तो ऐसे रिस्क आपके आएंगे अदर क्लॉजेस में। फिर है टेक्निकल क्लॉजेस, द अराइवल ऑफ टेक्निकल न्यू मशीन इन द मार्केट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन इज टेक्निकल क्लॉजेस। कि अगर टेक्निकल क्लॉजेस है तो हम न्यू मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो चेंज करवा के उनको ठीक करके हम अपने काम को फिर से
कर सकते हैं। फिर आपका मैकेनिकल क्योसिस, सम टाइम वाइल्ड मैन्युफैक्चर मशीन सम डिफेक्ट क्रीप्स इन, व्हेन वी यूज सच डिफेक्टिव मशीन वी हैव टू फेस रियली ट्रेबल रिजल्ट, द बस्टिंग ऑफ ए बॉयलर वाइल इन ऑपरेशन इज एन एग्जाम्पल बिजनेस रिस्क। मैकेनिकल मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन वगैरह होते हैं, तो जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो आते हैं आपके मैकेनिकल क्योसिस में। फिर लास्ट है आपका मैनेजीरियल क्योसिस, मैनेजमेंट इज द सोल बेसिस ऑफ द एंटायर बिजनेस, इट इज हियर दैट द पॉलिसीज आर फॉर्म, इफ बिकॉज मैफेंसी द मैनेजर इज नॉट कैपेबल ऑफ फार्मिंग फेरेबल पॉलिसीज बिजनेस रिस्क इज इंक्रीमेंटेड। मैनेजीरियल क्लॉजेस आपके जब होंगे, जब बिजनेस में आपकी कोई पॉलिसी चेंज कर दी हो या कोई रूल्स अलग से फॉलो करने के लिए कहा गया हो, तो वो आएंगे आपके मैनेजीरियल क्लॉजेस में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, सबसे मेन है, जो कि आपको अच्छे से करनी है।